मेरा दोस्त तो ये हूँ मैं, ये है मेरा दोस्त पंकज और हम जा रहे हैं ट्रिप पे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए ब्लॉग पे। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाला है पंकज, जिसने बहुत सपना देखा था बचपन से, आज ये कुछ बड़ा करने वाला है, बहुत बड़ा। सुबह के कितने हैं? 4:30 बज रहे हैं। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और सो रहा ये जहां, सो रहा आसमां। और हम चल रहे हैं अपनी मंजिल के लिए। हम जा रहे हैं कहां? दिल वालों की दिल्ली। तो फाइनली दोस्तों हम एक जगह पे रुके थे खाने के लिए और मैंने इनसे कहा अभी फौजियों के लिए विशेष छूट है, कह रहे हैं फौजी है। मैं खुद फौजी हूँ और मेरे से कह रहे हैं हम इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जीवन आओ इनको बताओ क्या कह रहे थे। ये कह रहे कि अभी 300 यूनिट है, ये 300 यूनिट ना, तो मैंने कहा हमारा भाई भी फौजी है और हम ये शिवा ढाबा पे आए थे अभी, तो मैंने कहा असली तो मेजर जनरल यही है। भूख लग रही, खाना नहीं मिल रहा, तो क्या मैं नशा कर लूं? चाय की तलन लग गई ना भाई को, चाय भी एक नशा है। अब ये क्या करेगा, कह रहा बिना नशा के मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। कैसा होगा यार, चाय तो मिलनी चाहिए कहीं। भाई को चाय का नशा है, बहुत चाय पीता है यार भाई, चाय का दीवाना है यार ये। करना पड़ता है ये, देखो पेट के खातिर, देखो पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है। देखो अब जाके ये कह रहे हैं कि गाड़ी का खाली शीशा साफ कर दे तब चाय पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। चलो यार कोई नहीं, दोस्ती यारी में इतना करना पड़ता है। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको, एक चाय के लिए क्या क्या कर रहा है बेचारा, समर्पण। भूखा दोस्त है पंकज, उसको हम कुछ हम उसको खाना खिलाएंगे। बेचारा देखो कितना भूखा है, देखो चोटी वाले के पास कितना भूखा है भाई, भूखा है। इसने कब से नहीं खाया, मैं 3 महीने हो गए, देखो आते अंदर घुस गए, आते अंदर चले गए इसके, अब खाएंगे। भूखा भूखा दोस्त, आओ खाएगा कुछ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो कि दिल्ली से करीबन 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ का देखिए आप इंटीरियर, और हमने ऑर्डर कर दिया है अपना जो भी नाश्ता वगैरह है, देखते हैं कितनी जल्दी आता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मंगाया है अपना, और मुझे भी दिखाऊंगा मैं आपको। हमारी कहानी ऐसी है कि भैया ने कहा, भाई ने कहा कि हम खाऊंगा छोले भटूरे। ये देखो मैं दिखाऊंगा पहले, हाँ एक मिनट, ये स्पेशल छोले भटूरे। ये भैया ने, ये हमारे पंकज भाई ने कहा कि मैं खाऊंगा छोले भटूरे, ये ने बताया कि छोले भटूरे बनते हैं 9 बजे। नहीं भैया, एक प्लेट तो छोला भटूरे कर दीजिएगा, एक प्लेट कर दीजिएगा आलू का पराठा और दो चाय बढ़िया करके सब डाल दीजिएगा, लहसुन लहसुन जो भी पड़ता है उसमें ना। तो 9 बजने का टाइम दिया भैया ने, मान लिया हमारे कितने पास समय 8:50 हो रहा है, तो 10 मिनट का हमने टाइम दिया उनको, हम इंतजार करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, खाएंगे लेकिन छोला भटूरा। गाड़ी भी बढ़िया तरीके से चली है, हम 3 घंटे में पहुंच गए हैं दिल्ली। क्या करना है, कुछ बचानी जिंदगी में, बाकी आज पंकज एक, और अभी हम सुनने में आ रहा है जीवन जो है वहाँ एक आपकी बताएंगे हमको कहाँ, कुछ 8 फेयर में जा रहे हैं शायद हम, ये आपको डिटेल देंगे। 8 फेयर में जा रहे हैं और 8 फेयर में डिटेल नहीं देंगे हम आपको, दिखाएंगे 8 फेयर आज। अच्छा, हम भी 8 फेयर दिखाएंगे। और पंकज ने कहा कि मैं एक पेंटिंग खरीदता हूँ। हाँ, मैं सोच रहा था अभी ये जो करोड़ों रुपए पड़े मेरे पास, अरबों रुपए, तो मैं सोचा बैंक चेक काट के सीधे वो कर देगा और तत्काल वहीं पे खरीदेगा। 2-4 महीने कुछ करोड़ों की पेंटिंग खरीदनी है, ये क्योंकि ये इन्वेस्ट करना चाहता है ना। हाँ, तो आजकल कला का मार्केट बहुत अच्छा है, मोदी जी ने कहा है। भैया चेक नहीं चलेगा ना, अरे यार ये तो कार्ड भी, हम देखो कार्ड भी मेरा कहीं बाउंस ना हो जाए, बर्तन वर्तन धो के जाना पड़ेगा मुझे। 10 प्लेट में एक प्लेट मापना धोने में। तो फाइनली इन लोगों ने इतना बड़ा 3 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया मुझे, इतना तो महंगा खाना नहीं था ये। 9 इसमें 90,000 का एक परोठा है, 2 परोठे हमने खाए, पानी की बोतल 2000 रुपये की पानी की बोतल है, 90,000 रुपये के परोठे दो, और 80,000 रुपये का वो छोले भटोरे, ये देख सकते हैं आप, रेट जो है
और ये छोड़ रखा है गरीबों के लिए बहुत ही, ये देखो ये गरीबों के लिए छोड़ भी रखे। अब 4 साल लेबर ही करना पड़ेगी तब चुकाना पड़ेगा ये पैसा। तो फाइनली दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। अभी पंकज भाई ने हमारी बहुत क्या कहते हैं पैसों की बचत बचाई है। अरे वही तो ये सामने वाला है, ये ठग रहा था, ठग रहा था, दिखाओ उसको, दिखाओ। 130 और 100 उसका वो लिया हमने, आप ये देख सकते हैं ये है सामने, ये हमें ठग रहा था लेकिन पंकज भाई ने हमें बचा लिया और उसने कहा कि ना गलत हम कभी नहीं सहेंगे और उसने इसको पेल दिया। ठीक है वही तो मतलब 200-250 रुपए का कुछ हो रहा था, पता नहीं किसका हिसाब जोड़ के 400 कुछ रुपए कह रहा, और हमें 130-135 ये तो 200। आपकी गणित, आपकी गणित भी अच्छी थी ना, तो ये बचपन में बहुत होशियार थे जो हमारे साथ फेल हो गया था गणित, और ये गणित में फेल हो गया था। और मजे की बात ना एक चीज और देखी मैंने, इस चोटी वाला रेस्टोरेंट लेकिन चोटी किसी के पास नहीं थी। ये देख सकते हैं आप हमारे वो उल्टा दिख रहा होगा, चोटी पढ़ लेते हो, रुको मैं सही से दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये चोटी वाला तो है लेकिन चोटी मैंने किसी की नहीं देखी, तो इस पर क्लेम करना पड़ेगा हमको, उनको बताना पड़ेगा चोटी वाला। चलो तो हमारा सफर जारी होता है, पास चोटी होनी चाहिए ना। हाँ भैया आपने लाल झंडा दिखाया था, हम इधर को आ गए थे, हरा झंडा दिखा दो वापस चले जाएंगे हम, एक हरा झंडा दिखा दो भैया प्लीज। हरा झंडा दिखा दो मजा आ जाएगा। चलो ठीक है मेरे भाई। हमें लाल झंडा दिखाया था हम अंदर चले गए, लेकिन भाई ने हरा झंडा नहीं दिखाया यार, तो हम कैसे जाएं? कायरता का प्रतीक है वही, तो अब हम नियम तोड़ के जा रहे हैं, लेकिन नियम तो गलत है भाई यार, हम आगे फिर रुकना पड़ेगा हमें कहीं, उधर ही देख ले, नहीं उधर ही चले जा, गाड़ी से उतर के चले जाओ उधर। अबे गाड़ी चल रही रोड में देख, सामने सामने क्या नहीं देख रहा है? अरे यार ठीक है अक्षरधाम, मैं तो ऐसे कहता रहता हूँ, मतलब जो टेस्ट ले रहा हूँ ना। ठीक हो गया, ये आपका, हाँ ये मेरा सिलेंडर फोन है, इसमें आप देख सकते हैं लेबर वगैरह, उसमें वेल्डिंग वगैरह हो रही है सब, वो लेबर आपको पहचान रहा होगा सब, पूरा लोहे का काम आपका ही है? जी जी पूरा मेरा, और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये भी आपका है? जी जी। अच्छा कह रहे हैं कि जो ये काम चल रहा है ये काम इनका चल रहा है, इनका इनका काम चल रहा है। ठीक है ये लोहा इनका है, इनके लोहे चिपकाए हैं यहाँ पे, मैं लोहा देता हूँ, ये लोहा दे, इसके शरीर में लोहा ही निकाल के देता है, आयरन की कमी ये पूरी करता है देश की, किसी को चाहिए वो लोहा। ये काम करते करते बीच का पुल टूट चुका है पंकज, इसका क्या होगा? ना ना वो है मैंने बहुत सारा थूक मंगा के, थूक लगा के जोड़ेंगे। कई लोग मंगा रखे मैंने इसके लिए। अच्छा तो सोचा कि थूक से चिपकाएंगे जैसे, इसको थूक से चिपकाएंगे। हाँ बस, अरे यार देश कैसे बढ़ेगा आगे। अरे पंकज यार तुम्हें गाड़ी बाहर नहीं कर पा रही है, तो कितनी लेके आऊँ मैं, अबे आगे जाके पीछे डालो यार, वो देखो हो जाएगी। सही है भैया, सही सही कह रहे हैं, सही है भैया, भैया क्या कह रहे हैं? अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहाँ खड़ी करेंगे हमने, 300 रुपए। अरे अच्छा यार खाली 300 रुपए का है, तो सबके लिए ले लो फिर, ये जितने जाने गाड़ी दिखाओ सारी के सारी, इन सबका ले लो 300 रुपए, ये सबका मेरी तरफ से ले लो, पंकज की तरफ से सबके लिए। कौन सा डांस बार? डांस बार पड़ेगा। ओके थैंक यू। ये आदमी इतना झूठ बोलता है, इसको बड़ी मुश्किल से तो नॉर्मल टिकट मिले है, कह रहा सामने कह रहा है वीआईपी एंट्री करूंगा, बल वीआईपी बल कौन सा वीआईपी है पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो इसको यहाँ एंट्री मिली है, इसको तो बाहर से बाहर भगा, बाहर से भगा दे सकते, और ऊपर से कह रहा है मैं वीआईपी एंट्री में जाऊंगा। फाइनली अभी हम इंडियन आर्ट फेयर में पहुंच चुके हैं, और हमारे पंकज भाई ने उधर देखने वाले मैं कुछ बता रही हूँ, पंकज भाई इसको एक्सप्लेन करेगा, आज जो मेन है यहाँ के पंकज को कुछ खरीदना है यहाँ से, तो क्या खरीदना चाहते हैं अपने हिसाब से देखिए, कम से कम 3-4 मैंने 3-4 करोड़ का ऊपर का बजट रखा है, जो मिल जाएगा पूरा आर्ट फेयर मिल जाएगा तो वो भी देख लेगा, तो देखते हैं हमारा, देखो देखो, अरे वो हवाई जहाज इसी में भेजूंगा अपने वो पेंटिंग्स।
इसकी यहाँ 25 करोड़ की पेंटिंग लगी है, अभी हम दिखाएंगे आपको। हम इंडियन आर्ट फेयर में आ चुके हैं और हमारे जो मित्र हैं दीपक भाई, उनका काम एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे। अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, जो अर्बन लाइफ है उसको मैं डिटेक्ट करता हूँ कि किस तरीके से उस पर जो चीज़ें इंस्ट्रक्ट हो रही है हर हर दिन, जैसे चील और जो भी नेटिव जो उनका हैबिटेट है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है या एक्सटेंट हो रहा है फ्रॉम लाइक अर्बन एरिया, जैसे उसका हैबिटेट खत्म हो रहा है हर जगह पर, एक्सटेंशन ब्लू प्रिंट की प्लानिंग हो रही है हर जगह पर, कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये सारे जो रियल आर्काइव हैं वो मैं कलेक्ट करता हूँ अलग अलग, उसको फिर स्टडी करके फिर उसको अपने काम में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देखता हूँ जैसे यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसी को ज़्यादा अपॉर्व करता हूँ, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें जो हमारे आस पास होती है उसी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। वही है कि बहुत सारी चीज़ें कैसे हर दिन हमारे आस पास से खत्म हो रही है, उसके बारे में यह सारा इम्बैलेंस ऑफ इकोलॉजी हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है नीचे का, हर चीज़ उसके बिना इम्बैलेंस उसका बैलेंस को लेकर है कि हर एक ब्लैंक स्पेस जो नेटिव लैंड है क्लास के अंदर वहाँ पर कैसे ब्लू प्रिंट का एक्सटेंशन होता है, प्लानिंग चल रही है कि वहाँ पर नया कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो उसके और हम देख सकते हैं। शुरू से मैं आपका काम देख रहा था, मतलब काम है और जो आप
काफी कंकाल जो होते हैं आपको काफी यूज करते हैं, जब पहली बार मैंने आपको काम देखा था उसमें भी आपने बर्ड का जो कंकाल था वो बनाया था, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। और बाकी आपने देखा होगा भाई का बेहतरीन काम चांदनी चौक मार्केट बंद है पूरी घुमाने वाला था संडे को मेरे को बताया नहीं, वरना मैं आ पाऊंगा मंडे को। सही कह रहा बेटा, ये ऐसे ऐसे आरामखोर दोस्त अगर मिल जाए लोगों को तो तुम्हारा हर दिन बेकार जाएगा। अगर दिन खराब करना है आज का दिन, ऐसी दिन अगर खराब करना है तो ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये कल ये आदमी ना, ये आदमी हमको ले गया कल वहाँ इंडियन आर्ट गैलरी सॉरी फेयर IAF। इसने कहा कि वहाँ तेरे को 10 करोड़ की पेंटिंग दिलाता हूँ, ये दिलाता हूँ वो दिलाता हूँ, पूरा दिन खराब कर दिया इसने। मैं सोच रहा था वहाँ मतलब पेंटिंग होंगी अच्छी अच्छी, मौका मिलेगा। मैं तो सोच रहा था पहले इसकी पेंटिंग लगी, लेकिन भाई कह रहा अगले साल लगाऊंगा। चलो तो अच्छी बात है, इतना महंगा टिकट वहाँ का पहले तो वही तो टिकट पहले। अब कोई गरीब आदमी अगर वहाँ जाना चाहेगा उस मेले में तो क्या करेगा, नहीं जा सकता। और पता नहीं VIP क्या कह रहे थे, पता नहीं कैसा VIP था, उसके 4 टांगे और 4 हाथ होंगे लग रहा VIP। लेकिन दिखने में तो हमारे जैसे ही दिख रहे थे VIP। खाली VIP कह रहे, अरे भैया बंद चांदनी चौक की मार्केट में, हाँ मतलब ये दिखा रहे हैं, ये खुली होती तो और अच्छी दिखती। जो है यही है गलियां, यहाँ भीड़ बहुत रहती है, अभी पूरा खाली कर रखी है आपके लिए, मेरे लिए ना, मैं जा सकूँ करके। हाँ ये खाली मार्केट तो दिखाएगा मुझे, खाली मार्केट दिखाने के लिए लाए। यहाँ पे ये मिलता है, फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, अभी सब बंद। ये देखो ऐसे जाना पड़ रहा है, वो देखो पीछे से गाइड बैठा था मुझे। हमारे साथ एक बाहर देश से एक वहाँ आए हैं, विजिटर आए हैं, तो हमारा काम है उनको थोड़ा यहाँ इंट्रोड्यूस कराना इंडिया के कल्चर को। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपकी कल का दिन बर्बाद किया है, आज का भी बर्बाद जाएगा। हाँ क्या जी, वैसे तेरे को तेरी जरूरत में है सुनसान गली देखने, वो नहीं भरा रहता है केवल तेरे लिए, ठीक है। खाने के लिए ढूंढो, मैं देखूं क्या कुछ लाता है। गली पीछे अगर तू चाहता तो तुझे पीछे ले जाके खिला सकता हूँ। तो हम दोनों दोस्त एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी हमने चाय पी,
भाई ने हमको बढ़िया से 10 रुपए की ऐसी मसाला चाय भर के मिलाई। और कल ये जहाँ मेरे को ले गया था वहाँ 225 रुपए की, मतलब 250 लगभग की एक चाय थी। हाँ, उसमें तो मैं 20-25 लोगों को चाय पिला देता। जैसे यहीं अगर आम उन लोगों को यहाँ लेके आते ना तो उन लोगों को हम यहाँ पिला सकते। 200 रुपए की चाय है मतलब। लेकिन भाई ने फिर भी इसके कह रहे भी मैंने इसको पिलाई चाय, भाई ने कहा है तो फिर पिलाना ही पड़ेगा। और ये वो देख रहा था क्या खाने का, 100-1200 रुपए का था जो पता नहीं क्या था, 1200 रुपए की थी। लेकिन भाई के कहने पे मैंने खर्चा किया। खर्चा किया ये अरे उंगली कटा टोना दूर से लगा दूर टोना टोटका हो गया। पहले इधर आ जाओ, पहले छोड़ दो टोना टोटका बराबर देखते हैं उसको खा के क्या होता है हमारे ऊपर। देखते क्या होता है। ये हमारा टोना टोटका का पहला स्टार्ट शुरू हो गया, अब पता नहीं पराठा कब आता है। ये टोना टोटका दो दही लिया ना भाई, इसके अंदर वो लग रहा है उपड़ी उपड़ी हड्डी हड्डी टोना टोटका करने के लिए। और ये है पंकज, मैं उसका दोस्त, और इस समय पहुंच चुके इंडिया गेट, और हमारे पीछे इंडिया गेट है, खूबसूरत लग रहा है। और अभी भाई कह रहा है कि इसको खरीदना चाहता है इंडिया गेट को, तो लास्ट भाव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और इंडिया गेट की बात खास बात है कि ये इसके पीछे सागर है, कौन सा सागर। फाइनली हम दिल्ली की मार्केट में चांदनी चौक में, और हमने कीवी खरीदी है, लाल रंग की कीवी है हमने खरीद लिया, हम उसको खाएंगे। और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि भीड़ बढ़ रही है, जैसे जैसे शाम घट रही है भीड़ बढ़ रही है, और अब सब लोग अपने बिलों से निकल चुके हैं, और मौसम थोड़ा सुहावना हो रहा है, कोहरा नहीं है, जिसका हमें डर था कि कोहरा हो जाएगा तो थोड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा, तो कोहरा नहीं है। और हम जा रहे हैं, मुझे लगता है कोई तरह मोबाइल छीन के भी भाग सकता है। मैं तभी इसलिए किनारे चल रहा हूं, मोबाइल को छीन जाता मजा आ जाता, इसकी सारे वीडियो डिलीट करता मैं। लेकिन ऐसा होगा कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को ना प्रदीप, अगर तू उसको देख रहा होगा तो हम तुझे मिस कर रहे हैं। ठीक है, तूने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी है। हाँ, हमने इतना एंजॉय किया ना, अब उछल उछल के तुझे दिखाता हूँ, नहीं तो एंजॉय कैसे करते हैं। तो एंजॉय हमने बहुत करा है। हेलो गाइस, कहा है भाई ने भी हमसे, उसके गाइस हम बताएंगे थोड़ी देर। चुके हैं आपके, पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं हम, हमने एक टर्न गलत लिया और हम 25 किलोमीटर दूर छटक चुके हैं। अब भगवान जाने में कहाँ है, फिलहाल में लगी थी भूख, तो हमारे जो एक बहुत सज्जन इंसान है उसने हमने पोटली में बांध के खाना दिया है। और देखिए अब अगर आप देख लेंगे बीच हाईवे में हम बैठ के खाना खा रहे हैं, हम कहाँ जाए हमें कुछ नहीं पता है, इतने हम भूखे हैं। वहाँ की फेमस बिरयानी दी है हमें, बिरयानी खा रहे हैं, और बाकी आपको फिर बता दें, और बाकी कुछ बचा है बचाने के लिए, बचा नहीं हमारे पास, पता है फिलहाल हम खा रहे हैं ये बिरयानी। और ध्यान रखिएगा कभी ऐसे फंस जाते तो रास्ते के लिए इस टाइप का खाना रख लीजिए, उससे आप क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दूर चले जाएँ और दूर तो आपको खाना कई दिनों तक खाना ना मिले, तो आपके साथ खाना लेके आए हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाते पीते हैं उसके बाद फिर चलना आगे चले जाते हैं। और अभी हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारे ठीक आगे आमने सामने की टक्कर हुई है, मुझे लग रहा है तेल के टंकर और टक्कर मिल गया, पता नहीं अरे किसी चीज़ में टक्कर हुई है, देखते आगे कहाँ टक्कर हुई है, जाम लग गया आगे बहुत, बोला हाईवे है, खुला हाईवे था। देखिए भैया क्या हो गया है, बोले हाईवे में जाम लग गया भैया, अरे गाड़ी का खर्चा निकल गया भैया। तो
हाँ अभी थोड़ा सा आपने देखा दो गाड़ियाँ आपने आप आमने सामने भिड़ गई और दोनों के परछक के उड़ गए, पता नहीं बचे नहीं बचे। लेकिन हमारे पंकज भाई एक बात मुझे अच्छी लगती है, ये कहता है कि किसी के दुख तकलीफ में सोचना मत करो। भाई ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, मुझे इसकी बात अच्छी लगी इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया वीडियो। क्या करना है, कोई तकलीफ में और तो मज़े ले रहा उसके ना भाई, सही कह रहा ना। वो मजे की बात पता है कि जो गाड़ी ठुकी है वो एक यूपी पुलिस की है और एक आम गाड़ी है, सिविलियन। तो क्या कहते हैं, यूपी पुलिस वाले की गाड़ी में ही मार दी उसने यार। वैसे कह रहे कि कैजुअल्टी नहीं आई, थोड़ी बहुत चोट लगी है, एयरबैग खुल गए हैं दोनों गाड़ियों के, पुलिस वालों को थोड़ी चोट आई है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब कुशल रहे। और रात के बज चुके हैं 12 बज चुके हैं, तो हो रहा है एक बजने वाला, रात का एक बजने वाला है। और हम इस समय हम पहुँचे हैं अपने अपने घर, और इसको छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने घर। बहुत थक गए, नींद आ रही भयानक, मैं तो सो गया था तो उठा ही था। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया। तो इसको अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और फैला दो यार, आग की तरह फैला दो। बहुत थक, वायरस की तरह फैला दो, कोरोना की तरह फैला दो भाई, कोरोना ब्लॉग करो ना, बोलोगे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।